अस्सलाम वालेकुम शोहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फ़ायदा तो हुआ है, बीवी खुश होते हुए। अच्छा जी, कौन सा फ़ायदा? शोहर, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। टीचर बताओ, वो कौन सी औरत है जिसको 100% सही पता होता है कि उसका शोहर कहाँ है? पप्पू, मिस बेवा औरत। टीचर स्टूडेंट से ABC सुनाओ। स्टूडेंट ABC। टीचर और सुनाओ। स्टूडेंट और अल्लाह का शुक्र है। टीचर तुम्हारे पास 2 सेब हैं और तुम्हारे घर 3 मेहमान आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, उनके जाने का इंतजार। पप्पू, सोच रहा हूँ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ। माँ, सबसे पहले तू ये अपना मोबाइल तोड़ दे। खामोशियाँ ही अच्छी है, लफ्जों से लोगों को रेड वाली मिर्ची। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें, कहाँ से? ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तशरी, शायर ने किसी लाहौरी से रास्ता पूछने की गलती कर दी थी। मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। तशरी, इस शेर में शायर की शादी दरअसल अपनी ही महबूबा से हो गई। एक घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमानों के बच्चे कभी सोफों पर कूदते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। घर की मालकन उन मेहमानों के होने की वजह से ना कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। पास ही उसका पालतू कुत्ता बैठा हुआ था जो उन्होंने घर में रखा हुआ था। बहुत देर बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार मालकन का सब्र जवाब दे गया और वह कुत्ते को घूरते हुए बोली, मेरी तो मजबूरी है, तू पे जाना। बाबा जी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल, अस्पताल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कच्चे के डाकू से ज्यादा लूट रहे हैं। अक्सर बीवियां भी ना कच्चे के डाकू की तरह होती हैं। ना तो उनसे कामयाब मुजाकरात हो सकते हैं और ना ही उनके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। एक खातून साहिल समंदर पर चहलकदमी कर रही थी, बेइंतहा उदास। बेख्याली में एक चीज़ से टोकर लगी, देखा तो एक चिराग था। टोकर लगने से चिराग से जिन निकला और कहने लगा, आपने मुझे कैद से आज़ादी दिलाई है, अब मैं आपकी 5 ख्वाहिशें पूरी करूँगा, बताओ। खातून बोली कि शोहर की बेतनाई और बेरुखी की वजह से मैं उदास रहती थी। कहने लगी, मेरी 5 ख्वाहिशात ये है, मेरा शोहर मेरे बगैर कहीं ना जाए, उसकी ज़िंदगी में मुझसे अहम कुछ भी ना हो, रात सोने से पहले मुझे देखकर सोए और सुबह होते ही मेरा दीदार करना चाहे, मुझे एक खराश भी आए तो उसकी चीख निकल जाए, मैं 2 पल नज़र ना आऊँ तो वो बावला सा हो जाए। जिन ये सब ख्वाहिशात सुनकर मुस्कुराया और खातून को उसी वक्त बिल्कुल नए मॉडल के मोबाइल फ़ोन में तब्दील कर दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं था। साला मैं तो साहब बन गया के साहब बन के कैसा थन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। और फिर नेशनल दादा दादी ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, ऐसा ही तो होता है हर ड्रामे में, दादा दादी होते हैं। जब पोलियो के कतरे पिलाने वालों को नज़दीक कोई दीवार ना मिली तो इस बेचारे पे लिख दिया। आज तक ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे कोने से डरे। हाँ जी, ऐसा ही है। चॉकलेट हो या मेरी बातें, मिठास दोनों में एक जैसी होती है। जब कुत्ता हो तो पत्थर नजर नहीं आता और जब पत्थर हो तो कुत्ता नजर नहीं आता, पाकिस्तानी कहावत। लो जी, एक गर्मियों जल्दी आओ ताकि वो मेरे घर बर्फ लेने आए। अरे खुदादा खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करके तो सर्दियाँ आने लगी है, अभी तो आई भी नहीं। हर किसी को सफाई मत दो, आप इंसान हो, वॉशिंग मशीन नहीं। सुनो, दिल दोगी या थर्स खा के नंबर दोगी? नो झूठ। घमंड है इसको अपनी 10 वीडियोस लीक करके अपना फ्रीज अकाउंट फिर से एक्टिव कर लेने की। लांदी। हम तो इतने अकेले मुर्शद, हाथ पर भी लड़की की फोटो बना के कुछ कुची करते हैं। लो जी, इंतहाई सिंगल लड़का। अपने नाम की तरह बहुत प्यारी और क्यूट हूँ मैं, अफसोस ये जालिम जमाना मानता ही नहीं। एक बार तेरा एक और शाहीन मुझसे डिंपल क्वीन बनके 360 का लोड ले गया। लो जी। और जब इतनी ठिड्डी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहोगे ना तो फिर ऐसा ही होगा मेरे भाई। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहाँ दम था, दोस्त भी ऐसा मिला जिसका दिमाग ही कम था।
आपके बारे में नफ्सियात क्या कहती है? मेरे बारे में तो नफ्सियात ने हाथ जोड़ दिए हैं। मोहतरमा, तू साढ़े वस दा रोग नहीं, ऐसा कहा। मैं तुझे मेकअप के बगैर देखना चाहता हूँ, मेरी हिम्मत देख, मैं क्या चाहता हूँ? तशरी, इस शेर में ना शायर बस खुदकश धमाका चाहता है। हाथ को कर बुलंद इतना कि हर सेल्फी से पहले फोन बंदे से खुद पूछे कोई रहते नहीं गया। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, और आज कोई अकेले बैठ के हंसता है तो कहते हैं कि मुझे भी सेंड करो। बीवी गुस्से में, देख लेना आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। शोहर, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल गोबर जैसा। बीवी, उफ मेरे खुदा, इस आदमी ने क्या क्या चक्का हुआ है। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया, जिन ने कहा खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नसवार खा खा कर मर जाऊंगा। अरबी शेख एक औरत से, आप बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी की तरह लग रही हैं। औरत, आपकी कितनी बीवियां हैं? शेख, 2। तो मेरे वेले वेले व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और कोई काम धंधा ढूंढ ले, अगर नहीं है तो मेरी कोई वीडियो ही देख ले, नहीं तो आने वाली वीडियो का बेसब्री से वेट ही करते रहे। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।